हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक ऐसे ट्रिक लेकर जिसमें अगर आपने राजमा भी खाने और अगर आप भिगोना भूल गए तो आप आसानी से बगैर भिगोए भी राजमा बना सकते हैं। इसके लिए आपको जितनी क्वांटिटी में राजमा चाहिए वह लेने हैं और उन्हें 2 से 3 बार साफ़ पानी से अच्छे से मसल कर धो लेना है। राजमा को अच्छे से धो लें और धोने के बाद के अंदर उन्हें एक कुकर में डालें। कुकर में डालने के बाद में जितना राजमा लिया है उससे डबल क्वांटिटी में पानी डालें और छोटा आधा चम्मच नमक डालें। कुकर की लीड लगा दें और 2 विसिल आने तक पकाएं। फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर रेसिपी पसंद आती है तो मेरे पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुकर ठंडा हो गया है, 2 सीटी आने के बाद में उसे खोलेंगे और उसमें 8 से 10 आइस क्यूब डालेंगे। आइस क्यूब डालने के बाद में कुकर का ढक्कन दोबारा से लगाएंगे और 2 से 3 विसिल आने देंगे। इस तरीके से राजमा बहुत ही अच्छे से उबलकर तैयार हो जाते हैं। देखिए, कुकर ठंडा होने के बाद में ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे हमारे राजमा एकदम पककर तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।